हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम भारती। आज की इस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर की है ये कलरफुल रबर बैंड वाली हेयर ब्रेड। और ये हेयर ब्रेड मैंने अपने हिसाब से बनाई है क्योंकि मुझे एकदम टाइट जो हाई पोनी टेल होता है ना वो नहीं पसंद है, क्योंकि मेरी यह हेयरलाइन है यहाँ पर पेन होता है और मुझे हेडेक भी होता है, इस वजह से मैंने इसको लूज़ रखा है। प्लस जो ये हाई पोनी टेल बनाई है उसके बाद यहाँ पर मेरे बालों में कटिंग है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मेसी दिख रहा है यहाँ से, मतलब उसकी फिनिशिंग अच्छी नहीं आ रही है। और अगर आप इस हेयर ब्रेड को आपके हेयर में बनाते हो, जैसे कि आपको कटिंग वगैरह नहीं है और एकदम आपके लॉन्ग हेयर है और एकदम कंप्लीट है, तब तो आपके हेयर की जो ब्रेड बनेगी वो कुछ इस टाइप से इसकी फिनिशिंग आएगी, क्योंकि यहाँ पर मुझे कटिंग नहीं है, कटिंग सिर्फ यहाँ ऊपर वाले बालों में है, इस वजह से यहाँ से थोड़ा मेसी दिख रहा है। और मैंने ये हाई पोनी टेल जो है वो थोड़ा लूज बनाया है, इस वजह से यहाँ पर मेरे हेयर जो है ये इस टाइप से इकट्ठे हो रखे हैं। बट ये मैंने अपने हिसाब से बनाए हैं, इस वजह से अगर आपको एकदम टाइट पोनी टेल जो है वो सूट होती है फिर आप बना सकते हो, तो आप वैसे ही बनाना, जैसे आपके हेयर स्टाइल की फिनिशिंग और ज़्यादा अच्छी आएगी। तो मुझे ज़्यादा टाइट पसंद नहीं होती क्योंकि मेरा हेडेक होने लग जाता है, इस वजह से मैंने ज़्यादा टाइट इसको नहीं बनाया है। एंड दूसरी बात जो मैंने आपको बताई दी कि मेरी यहाँ पर बालों में कटिंग है, इस वजह से थोड़ा ज़्यादा मैसी लग रहा है। तो अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगती है तो धन लाइक कर देना, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बाय बाय। अब मैं अपनी बकवास